देवगन की सस्पेंस क्राइम ड्रामा फिल्म दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। बीते 18 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म पहले दिन से ही काफी पसंद की जा रही है। फिल्म को ओपनिंग डे से ही दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। दर्शकों की एक्साइटमेंट देखकर फिल्म से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल अजय देवगन, तब्बू, अक्षय खन्ना और श्रेया सरन जैसे सितारों से सजी ये फिल्म दृश्यम 2 को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया है। फिल्म की सस्पेंस थ्रिलर कहानी दर्शकों को सीट से बांध कर रखने में सफल रही है। पहले भाग के 7 साल बाद रिलीज हुई फिल्म दृश्यम 2 में विजय सलगांवकर यानी अजय का सस्पेंस बरकरार रहा। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स फिल्म के तीसरे हिस्से की तैयारी में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि इस बार फिल्म में दिखाए गए सस्पेंस को भी टॉप सीक्रेट रखने का प्लान बनाया गया है। यही नई फिल्म की कहानी को किसी भी तरह से लीक होने से बचाने के लिए ये खबरें हैं कि इस बार मलयालम सुपरस्टारर मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 के साथ ही अजय देवगन की फिल्म का हिंदी वर्जन भी रिलीज किया जाएगा। दृश्यम फ्रेंचाइजी के पिछले दोनों भागों में अजय देवगन ने लीड रोल निभाया है, जिनकी अदाकारी के दर्शक कायल हो चुके हैं। ऐसे में जाहिर है फिल्म की तीसरी किश्त में भी अजय देवगन के अलावा किसी और का होना दर्शकों को कुछ खास रास नहीं आएगा। दृश्यम को दिवंगत निशिकांत कामत ने निर्देश किया था, वहीं दूसरे पार्ट को निर्देशक कुमार मंगत के बेटे अभिषेक पाठक ने। बता दें कि दृश्यम 2 ने कुल 3 दिनों के अंदर उस फिल्म ने 64 करोड़ रुपए की कमाई हासिल की है। वेल दोस्तों, दृश्यम 2 की रिलीज के बाद आप फिल्म दृश्यम 3 को लेकर कितने एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।